हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट की कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है इंसेक्ट्स ऑर्डर बेयरिंग पैरासिटॉइड्स यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल। यानी कि इस वीडियो के दौरान हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये पैरासिटॉइड का मतलब क्या है, पैरासिटॉइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे स्पेसिफिकली ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर जिसके अंदर पैरासिटॉइड्स को रखा गया है, और ये जो पैरासिटॉइड्स हैं ये यूजफुल हैं हमारे लिए किसके अंदर, तो हम देख रहे हैं पेस्ट कंट्रोल में। पेस्ट आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है किसी क्रॉप के लिए, तो उसे हम पेस्ट कह देते हैं। तो पेस्ट में भी अगर जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, उन इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए जो पैरासिटॉइड्स काम में लिए जाते हैं, उन पैरासिटॉइड्स के बारे में आज इस वीडियो के दौरान हम अच्छे से बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले ये जो कोर्स टाइटल है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, इसी से रिलेटेड यानी कि एपिकल्चर के ऊपर मैं 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। उन 5 वीडियोस के अंदर हमने एपिकल्चर से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आप उन वीडियोस को देखना चाहें, तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पैरासिटॉइड्स होते क्या हैं। वैसे इस कोर्स टाइटल यानी कि मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का सबसे जो पहला वीडियो है जिसके अंदर हमने बात करी है इम्पॉर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पैरासाइट्स, पैरासिटॉइड्स और प्रीडेटर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अच्छे से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो वहाँ भी हमने पैरासिटॉइड्स को अच्छे से समझा था, तो उसे एक रिविजन के रूप में अगर हम आप समझें तो देखिए पैरासिटॉइड्स क्या हैं। पैरासिटॉइड्स आर इंसेक्ट्स लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर इंसेक्ट, मतलब पैरासिटॉइड इंसेक्ट, ऐसे पैरासिटॉइड इंसेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, जो कि हम देख रहे हैं किसी और अनदर इंसेक्ट के अंदर या उसके ऊपर है ना। तभी तो यहाँ लिखा है ऑन और इन द बॉडी, है ना। ऑन द बॉडी होगा तो हम उसे एक्टो पैरासिटॉइड कह देंगे, और उसकी बॉडी के अंदर होगा तो उसे हम एंडो पैरासिटॉइड कह देंगे, है ना। तो यानी कि पैरासिटॉइड इस तरह से एक इंसेक्ट है जो कि किसी और इंसेक्ट के ऊपर क्या कह रहा है, रह रहा है ना। तो कॉल्ड दी होस्ट, होस्ट किसे हम कह रहे हैं, जिसके ऊपर रह रहा है ना। अगर ये पैरासिटॉइड है तो जिसके ऊपर वो रह रहा है या जिसके अंदर वो रह रहा है, तो उसे हम होस्ट कह रहे हैं, है ना। डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रॉम विच इट गेट्स प्रोटेक्शन एंड फूड ड्यूरिंग इट्स इमैच्योर स्टेजेस। इसकी इमैच्योर स्टेजेस के दौरान, इमैच्योर स्टेजेस समझ सकते हैं इंसेक्ट की आप, जैसे कि हम देख रहे हैं उसके लार्वा, है ना। तो ये लार्वल स्टेज वगैरह जो है उस कंडीशन के अंदर वो अपना प्रोटेक्शन और फूड जो है वो होस्ट से ले रहा है ना। होस्ट से जब उसका एनर्जी या कह सकते हैं हम फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी होस्ट की जो है हम देख रहे हैं फिटनेस ख़त्म होने लगेगी और वो अल्टीमेटली किल होने लगेगा, है ना। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं, इस तरह से डैमेज पहुंचाएगा होस्ट को। तो कहने का मतलब इट्स इमैच्योर स्टेजेस एंड एडल्ट्स आर फ्री लिविंग, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जो पैरासिटॉइड्स होते हैं उनके जो एडल्ट्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, उन एडल्ट्स को होस्ट की ज़रूरत नहीं है। उनके इमैच्योर फॉर्म्स यानी जिसे हम कह रहे हैं एक तरह से लार्वा, तो वो जो लार्वा है वो वास्तव में क्या है, डिपेंडेंट है एक तरह से होस्ट के ऊपर और उसकी होस्ट की फिटनेस को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमने एक डेफिनेशन के रूप में वापस से जान लिया क्या कि पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पैरासिटॉइड्स को पढ़ने के बाद, अच्छा यहाँ एंड में लिखा है द होस्ट इज अल्टीमेटली किल्ड, यानी कि एक बारी में ख़त्म नहीं हो जाता होस्ट, लेकिन धीरे 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 ये जब लार्वल स्टेजेस हैं ग्रोथ करने लगती हैं तो अल्टीमेटली होस्ट को जो है वो ख़त्म कर देती है। ओके, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं या इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, तब कुछ इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं। ये टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। यानी कि हम जानने वाले हैं कि सुपर पैरासाइटिज्म क्या होता है, मल्टी पैरासाइटिज्म क्या होता है और हाइपर पैरासाइटिज्म क्या होता है। ओके, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब 3 मेन कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको इस वीडियो के बाद उनमें कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो सबसे पहली टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो वह है सुपर पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म आप समझ चुके हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं एक तरह का इंसेक्ट
या एक तरह का ऑर्गेनिज्म दूसरे इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है, उसमें से न्यूट्रिशन खींच रहा है, तो उसे हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। सुपर पैरासाइटिज्म का मतलब ये है व्हेन मोर देन वन एडल्ट ऑफ द सेम स्पीसीज अटैक द होस्ट। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि है सेम स्पीसीज का ही, मतलब एक स्पीसीज के कुछ मेंबर्स हैं, वो स्पीसीज का जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो बार बार किसी दूसरे इंसेक्ट को अफेक्ट कर रहा है, किसी दूसरे इंसेक्ट पे पैरासाइटिज्म दिखा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सुपर पैरासाइटिज्म कह रहे हैं। समझ आई? इसे एग्जांपल से अगर हम समझें तो देखिए, ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा। अब ये जो ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा है, ये एक से ज़्यादा बार, मतलब है तो इसकी स्पीसीज ही ट्राइकोस्पोरा प्यूपीवोरा की, ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा की ही जो स्पीसीज हैं वो बार बार अगर हम देख रहे हैं किसके ऊपर लग रही है, तो ओपिसिना आर्नोसेला, तो इसके ऊपर। अच्छा, ओपिसिना आर्नोसेला जिसे हम कहते हैं कोकोनट ब्लैक हेड कैटरपिलर, है ना, तो उसके ऊपर बार बार अटैक कर रही है, तो इस कंडीशन को हम कह रहे हैं सुपर पैरासाइटिज्म। क्लियर है? और उसके बाद दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो वो है मल्टी पैरासाइटिज्म। सुपर के अंदर हमने क्या बात करी, एक ही वन स्पीसीज के एडल्ट ही बार बार अटैक कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मोर देन वन स्पीसीज अटैक द होस्ट, मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज जो है किसी होस्ट पे लग जाती हैं एक साथ, तो उस कंडीशन को हम मल्टी स्टेज कह देंगे ना, तो मल्टी पैरासाइटिज्म कहा जाएगा उसे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं बेथाइलिट्स एंड ब्रैकोनेट्स, मतलब बेथाइलिट्स और ब्रैकोनेट्स ये दोनों जो हैं अगर लग रहे हैं ओपिसिना आर्नोसेला के ऊपर, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी पैरासाइटिज्म कहेंगे। समझ आई आपको बात, सुपर पैरासाइटिज्म में और मल्टी पैरासाइटिज्म में क्या फ़र्क है, है ना, तो नंबर ऑफ मेंबर्स का। यहाँ पे सिंगल स्पीसीज के एडल्ट ही बार बार अटैक कर रहे हैं, जबकि यहाँ अदर मतलब अलग अलग स्पीसीज के अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए मल्टी पैरासाइटिज्म। तीसरी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है वो है हाइपर पैरासाइटिज्म। वैसे पूछी तो तीनों जा सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं हम, हाइपर पैरासाइटिज्म मतलब पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट, है ना, तो उसका मतलब ये हुआ व्हेन अ पैरासिटॉइड इज अटैक्ड बाय अनदर पैरासिटॉइड। हम यहाँ इस केस में पैरासिटॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर किसी पैरासिटॉइड के ऊपर कोई और पैरासिटॉइड लग गया, है ना, शेर से कोई सवा शेर आ गया, तो उस कंडीशन को हम कह रहे हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एफिड्स होते हैं, तो उन एफिड्स के ऊपर जो पैरासिटॉइड का काम करते हैं, तो वो हम देखते हैं एफिडियस। एफिडियस वैसे ब्रैकोनिट्स फैमिली का ही एक तरह का वेस्प है, जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अपने देख सकते हैं एग लेइंग करके, या कह सकते हैं जो पैरासिटॉइड का काम करेगा। अब ये जो एफिडियस है, इसके ऊपर खुद ही हम देख रहे हैं एसाफेस जो है पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट हैं ये इनके ऊपर क्या कर देते हैं, पैरासाइटिज्म दिखाते हैं। मतलब होस्ट जो है वो कौन है, एफिड्स हैं, इनके ऊपर पैरासाइट का या पैरासिटॉइड का काम जो कर रहे हैं वो है एफिडियस, और एफिडियस के ऊपर हाइपर पैरासाइट का काम कर रहे हैं वो कौन है, एसाफेस। समझ आई आपको बात? तो इस तरह से हमने जाना कि सुपर पैरासाइटिज्म, मल्टी पैरासाइटिज्म और हाइपर पैरासाइटिज्म में क्या फर्क होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में अब बात कर लेते हैं, जो कि है इंसेक्ट्स ऑर्डर बेयरिंग पैरासिटॉइड्स, है ना। तो अब ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं जिनमें इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स हैं। तो हम देख रहे हैं मोस्ट इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स आर वेस्प एंड फ्लाइज। ज़्यादातर इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स कौन हैं, या तो वो वेस्प हैं या वो फ्लाइज हैं, है ना। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पैरासिटॉइड्स बिलोंग टू द हाइमेनोप्टेरा एंड डिप्टेरा। ज़्यादातर जो भी इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स हैं वो कौन से ऑर्डर से हैं, तो हम देख रहे हैं हाइमेनोप्टेरा और दूसरा डिप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा के अंदर हम लिख रहे हैं कि 90% ऑफ द पैरासिटॉइड्स आर इन द हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 10% जो है वो कहाँ है, तो डिप्टेरा ऑर्डर, है ना। अब सिर्फ ऑर्डर को ही हम नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, तो हम देख रहे हैं कि हाइमेनोप्टेरा के अंदर तीन मेन सुपर फैमिलीज। सुपर फैमिलीज का मतलब आप समझ रहे हैं, सुपर फैमिलीज मतलब जिसमें काफ़ी सारी फैमिलीज आ जाती हैं, है ना, तो वे कलेक्टिवली सुपर फैमिली बन जाती है। तो हाइमेनोप्टेरा के अंदर तीन मेन सुपर फैमिलीज, जिसके अंदर हम देख रहे हैं इक्न्यूमोनोइडी, दूसरी हम देख रहे हैं चेल्सीडोइडी, और तीसरी हम देख रहे हैं बेथाइलॉइडी। अब जो सुपर फैमिलीज होती है ना, उनके प्रोनाउंसिएशन में ओ आता है, है ना, इक्निमोनोइडी, चेल्सीडोइडी और बेथाइलॉइडी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो सुपर फैमिलीज हैं इनके अंदर और फैमिलीज आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं इक्निमोनोइडी के अंदर दो मेन फैमिलीज हैं जिसके अंदर पैरासिटॉइड्स हैं, इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स हैं। कौन सी हैं वो दो फैमिलीज, तो हम देख रहे हैं इक्निमोनिडी
है ना। देखिए इक्निमोनोइडी सुपर फैमिली के अंदर फैमिली का नाम है इक्निमोनिडी, ओके, और दूसरी हम देख रहे हैं ब्रैकोनिडी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैल्सिडोइडी के अंदर, तो ओ आ रहा है तो उसके नाम में ओ हट जाएगा, मतलब सिर्फ जो फैमिली की बात कर रहे हैं तो उस फैमिली का नाम है चैल्सिडीडी। और हम देख रहे हैं ट्राइकोग्रामेटिडी, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज आपने पढ़ी है, तो ट्राइकोग्रामेटिडी, और हम देख रहे हैं यूलोफिडी, ओके। तो इस तरह से ये जो तीन फैमिलीज हैं वो किसके अंदर आ रही है, चैल्सिडिडोइडी के अंदर आ रही है ना। और हम देख रहे हैं तीसरी जो सुपर फैमिली है उसके अंदर है बेथाइलेडी। अब इन कुल मिला के हम कहें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 फैमिलीज के बारे में हमें अच्छे से बात करनी है। अच्छे से बात करनी है इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, और साथ में हमें ये भी जानना है कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, ओके। और साथ में ऊपर लिखा है डिप्टेरा ग्रुप भी, तो डिप्टेरा के अंदर भी एक ही फैमिली है जिसके बारे में बात करेंगे हम, जो कि है टैकिनिडी। अब इस टैकिनिडी के अंदर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में इस वीडियो के दौरान अब आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली जो सुपर फैमिली है, जैसे हमने कहा था इक्निमोनोइडी, उसकी पहली फैमिली यानी इक्निमोनिडी के बारे में बात करते हैं। अब ये जो इक्निमोनिडी है इसके वेस्प को हम कहते हैं इक्निमोन वेस्प, और इसे हम डार्विन वेस्प भी कहते हैं, कॉमन नेम के रूप में आप याद रख सकते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम कि एंटीनीज आर लॉन्गर विथ मोर देन 16 सेगमेंट्स, तो इसके जो एंटीना है वो काफ़ी लंबे होते हैं, मोर देन 16 सेगमेंटेड होते हैं, ओके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखेंगे कि ट्रोकेंटर हैव 2 सेगमेंट्स, मतलब इसके जो ट्रोकेंटर होंगे उसके अंदर हम देखते हैं स्पेसिफिकली 2 सेगमेंट्स होते हैं जो इसको एक तरह से खड़े रहने में और स्पेसिफिकली पोजीशन देते हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ट्रोकेंटर हैव 2 सेगमेंट्स एंड हम देख रहे हैं पॉजिस 2 रिकरेंट वेंस इन द विंग्स, इनकी विंग्स के अंदर 2 रिकरेंट वेंस देखी जाती हैं। ओविपोजिटर लॉन्गर देन बॉडी, और जो इनका ओविपोजिटर होता है वो इनकी बॉडी से भी लंबा होता है, यानी कि काफ़ी लंबा होगा। और इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल कौन सा है, तो हम देखते हैं इरिबोरस ट्रोकेंटेरेटस, है ना। हम देख रहे हैं इरिबोरस ट्रोकेंटेरेटस जो है वो अ लार्वल पैरासिटॉइड है ऑन ओपिसिना आर्नोसेला। ओपिसिना आर्नोसेला के ऊपर काफ़ी लोग आने वाले हैं, है ना, तो उसमें से एक और आ गया कौन, इरिबोरस ट्रोकेंटेरेटस। ये जो है जो हम देख रहे हैं इक्निमोनिड है, ये एक तरह से लार्वा लिया कह सकते हैं, इंटरनल पैरासिटॉइड है किसके ऊपर, तो हम देख रहे हैं ओपिसिना आर्नोसेला के ऊपर, ओके। तो इस तरह से हमने सबसे पहली फैमिली के बारे में जाना जो कि है इक्निमोनिडी, ओके। तो चलिए इक्निमोनोइडी की नेक्स्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं जो कि है ब्रैकोनिडी। अभी जो ब्रैकोनिडी है इसके बारे में हम करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें तो देखिए एडल्ट्स आर रिलेटिवली स्मॉल मोर स्टाउट बॉडीड देन इक्निमोनिड्स। अब इक्निमोनिड से थोड़ा इसको अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं इनकी बॉडी थोड़ी एक तो रिलेटिवली स्मॉल होती है और साथ में ज़्यादा स्टाउट होती है, स्टाउट मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत या कठोर है इसकी बॉडी, तो एक तरह से हम देख रहे हैं ये इक्निमोनिड से इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं हम। मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइटिक ऑन लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स, मतलब जो लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा वगैरह हैं उनके ऊपर मेनली ये देखते हैं एंडोपैरासाइटिक हैं, ओके। तो हम देखते हैं लेपिडोप्टेरन लार्वा एंड हैव 1 रिकरेंट वेन, और हम इनके जो ये एडल्ट्स हैं उनकी विंग्स में देखेंगे तो 1 रिकरेंट वेन होगी, इससे पहले वाले में 2 थी तो इसमें हम लिख रहे हैं 1 रिकरेंट वेन, ओके। और हम देख रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल, तो देखते हैं हम ब्रैकॉन ब्रेविकॉर्नस। अभी ब्रैकॉन ब्रेविकॉर्नस जो है ये किस किस के ऊपर पैरासिटॉइड है, तो हम देख रहे हैं ये लार्वल पैरासिटॉइड है ऑपिसिना आर्नोसेला, जैसा कि मैंने बताया इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग लग रहे हैं ना, तो ये ऑपिसिना आर्नोसेला के ऊपर लार्वल पैरासिटॉइड है, और साथ में ये हम देख रहे हैं कैलोनस ब्लैकबर्नी, इसके ऊपर भी ये लार्वल पैरासिटॉइड है, और हम साथ में देख रहे हैं ये एग पैरासिटॉइड्स है, पैरासिटॉइड है ऑन कॉटन स्पॉटेड बॉलवर्म। कॉटन स्पॉटेड बॉलवर्म पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये जो पूरा कोर्स टाइटल है इसके अंदर हमने इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन के वाला जो वीडियो था उसके अंदर अच्छे से बात करी थी, है ना। तो हमने बात करी थी कॉटन स्पॉटेड बॉलवर्म यानी इरियाज स्पीसीज, इरियाज इंसुलाना, इरियाज विटेला, है ना, तो इस तरह की दो हमने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो उस पेस्ट के ऊपर एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम लिख सकते हैं क्या, ये ब्रैकॉन ब्रेविकॉर्निस। बायोलॉजिकल कंट्रोल आप समझ चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या कह सकते हैं उसकी नंबर्स को
उसकी पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह का जो कंट्रोल है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि एरियाज स्पीसीज का बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा सकता है किससे, तो ब्रैकॉन ब्रेविकॉर्निस से। ओके, तो इस तरह से हमने जाना ब्रैकॉन एडी फैमिली के बारे में। तो चलिए दूसरी सुपर फैमिली के बारे में बात करते हैं जो कि है चेल्सी डॉइडी, है ना। अब चेल्सी डॉइडी के अंदर मैंने आपको जैसा बताया तीन हम तीन फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली फैमिली के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो है चेल्सी डीडी, है ना। अच्छा, अब ये चेल्सी डॉइडी जो फैमिली है सुपर फैमिली है, तो ओवरऑल कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें इसके याद रख सकते हैं, जैसे कि मोस्टली स्मॉल पैरासिटॉइड्स एंड ग्रीगेरियस। इसके अंदर जो मोस्टली पैरासिटॉइड हैं वो माइन्यूट यानी बहुत छोटे होंगे, तो ये हमने लिखा है स्मॉल पैरासिटॉइड होंगे एंड ग्रीगेरियस यानी एकदम कहीं ग्रुप में एक साथ अटैक कर सकते हैं ये, है ना। तो ये ग्रीगेरियस फॉर्म में हो सकते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि एंटीना जो होते हैं वो जेनिकुलेट टाइप होते हैं। जेनिकुलेट मतलब ऐसे एल्बो शेप में, है ना, एल्बो आप समझ सकते हैं कोहनी जिसको कहते हैं, तो उस शेप में इसके हम देखते हैं एंटीना होते हैं। और विंग्स जो होते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं किसी तरह की वेन्स नहीं देखते। इससे पहले वाले के अंदर हमने किसी में देखा, इक्निमोनेट्स में देखा दो हैं, ब्रैकोनेट के अंदर हमने देखा एक वेन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई वेन्स नहीं है, है ना। तो इस तरह से हमने देखा ये चेल्सी डॉइडी सुपर फैमिली की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हैं हम। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चेल्सी डीडी की, तो उसके अंदर हम देखते हैं दे आर पैरासाइटिक ऑन लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरन एंड कॉलियोप्टेरन्स। मतलब ये इन ऑर्डर्स के ऊपर कहीं ना कहीं पैरासिटॉइड हैं। कौन? चेल्सी डीडी के मेंबर्स। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है ब्रेकाइमेरिया नेफेंटिडिस। अब ये जो हम देख रहे हैं ब्रेकाइमेरिया नेफेंटिडिस है, ये लार्वल पैरासिटाइड है ऑन ऑफिसिना आर्नोसेला, वही मतलब ऑफिसिना आर्नोसेला के ऊपर ही ये हम देख रहे हैं एक तरह से लार्वल पैरासिटॉइड है। तो इस तरह से हमने पहली फैमिली के बारे में जाना जो कि है चेल्सी डीडी। ओके, तो चलिए चेल्सी डीडी फैमिली के अंदर दो और फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। चेल्सी डीडी सुपर फैमिली के अंदर दो फैमिलीज और हैं जो कि उनके बारे में बात करें हम, तो वो है ट्राइकोग्रामेटिडी और तीसरी हम देख रहे थे यूलोफिडी, है ना। तो ट्राइकोग्रामेटिडी के अंदर हम देखें तो दे आर माइन्यूट इंसेक्ट। ये तो बात आपको पहले ही समझ आएगी कि चेल्सी डीडी के इंसेक्ट्स जो हैं वो माइन्यूट हैं। तो हम इसके अंदर माइन्यूट भी देखें तो कितने, 0.3 से 1 मिलीमीटर साइज के, यानी इतने माइन्यूट होंगे, विथ थ्री सेगमेंटेड टारसी। इसकी जो टारसी है वो थ्री सेगमेंटेड होगी एंड ब्रॉड एंड एलोंगेटेड फोर विंग्स जो होंगे वो ब्रॉड होंगे और एलोंगेटेड यानी फैले हुए लंबे होंगे, है ना। तो विथ माइक्रोस्कोपिक हेयर्स, और उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो देखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ये ट्राइकोग्रामेटिडी के कुछ फीचर्स हैं, और इसके अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स की बात करें तो वो हम देखते हैं तो ट्राइकोग्रामा कैलोनिस, हाँ कैलोनिस। तो ये ट्राइकोग्रामा चिलोनिस या कैलोनिस जिसे हम कह सकते हैं, ये एक पैरासिटाइड है ऑन मैनी लेपिडोप्टेरन्स। बहुत सारे लेपिडोप्टेरन लार्वा जो होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये एग पैरासिटॉइड है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं DBM यानी कि डायमंड बैक मॉथ। ये जो है इसके ऊपर पैरासिटॉइड कौन है तो देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के बारे में। और उसके बाद तीसरी जो फैमिली है वो है यूलोफिडी। अब यूलोफिडी इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें फोर सेगमेंटेड टारसी है। ओके, वहाँ कितने हैं, थ्री सेगमेंटेड, यहाँ फोर सेगमेंटेड है, और साथ में दे आर पैरासाइटिक ऑन एफिड्स, स्केल्स एंड सम लेपिडोप्टेरन एंड इवन थाइसोनोप्टेरन। थाइसोनोप्टेरा के ऊपर आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कौन सी फैमिली हम देख सकते हैं, तो वो है यूलोफिडी जो पैरासिटॉइड है, आपने छोड़ सकती है ना। तो हम देख सकते हैं पैरासिटॉइड है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा एंड टेट्रा स्टाइकस इजराइली। अब ये जो दोनों हैं किसके ऊपर, वही एक ही फेमस इंसान है, कौन, जिसकी बैंड बजी हुई है ऑफिसिना आर्नोसेला, यहाँ लिख नहीं पाया मैं, ऑफिसिना आर्नोसेला पे ही ये एक पैरासिटॉइड है, एक तरह से पैरासिटॉइड है। तो इस तरह से हमने दो और फैमिलीज के बारे में जाना जो कि थी ट्राइकोग्रामेटिडी और तीसरी यूलोफिडी। ओके, तो चलिए इस वीडियो की सेकेंड लास्ट फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है बेथाइलिडी, है ना। हमने तीन मेन सुपर फैमिलीज की बात करी थी, तो उसमें तीसरी जो सुपर फैमिली है बेथाइलोइडी, है ना, उसकी जो फैमिली है बेथाइलिडी, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है, देखिए स्मॉल टू मीडियम साइज्ड डार्क कलर्ड वैस्प। यहाँ जो वैस्प हैं डार्क कलर्ड के होते हैं, और साथ में हम देखते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज्ड होते हैं। फीमेल्स ऑफ मैनी स्पीसीज आर विंगलेस एंड विथ एंट लाइक अपीरियंस।
फीमेल्स जो होती हैं उनके पंख नहीं होते और वो एंट लाइक यानी चींटी जैसे ही अपीरेंस वाली होती हैं। पैरासाइटिक ऑन लेपिडोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा पे ये पैरासाइटिक हैं। और हम देख रहे हैं इनके एग्जाम्पल, तो देखते हैं हम पैरासेरोला नेफेंटेडिस, है ना। तो हम देख रहे हैं पैरासेरोला नेफेंटेडिस जो है वो लार्वल पैरासिटॉइड है, किसके ऊपर, वही ओपिसिना अर्नोसोला। तो इस तरह से हमने तीसरी और फैमिली के बारे में जाना जो कि है बैथाइलिडी। अब इस तरह से हमने एक तरह से कंप्लीट कर लिया है हाइमेनोप्टेरा। अब जो नेक्स्ट ऑर्डर है यानी डिप्टेरा, उसकी एक और फैमिली के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एट लास्ट इस वीडियो के अंदर अब हम डिप्टेरा के अंदर एक और फैमिली के बारे में बात करते हैं जो कि है टैकिनिडी। अब टैकिनिडी फैमिली के अंदर पर्टिकुलर एक इंसेक्ट जिसे हम कह रहे हैं स्टर्मियोपसिस इन्फेरेंस, ये जो है लार्वल पैरासिटाइड ऑन शुगर केन शूट बॉरर। चलो कोई नया नाम तो आया, वरना अब तक हम सारा उसी के ऊपर पढ़ रहे थे, यानी कि ओपिसिना अर्नोसोला, है ना। तो अब देखिए शुगर केन शूट बॉरर हम देख रहे हैं ये, तो इसे इसका साइंटिफिक नेम होता है काइलो इन्फेस कैटुलस, है ना। तो काइलो इन्फेस कैटुलस के ऊपर ये पैरासिटॉइड है कौन, तो हम देख रहे हैं स्टर्मियोपसिस इन्फेरेंस, है ना। एक तरह से ये फ्लाइज वाला ऑर्डर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिप्टेरा, तो वो भी पैरासिटॉइड है। और इसके अंदर हम देखते हैं एग्स मे बी मैक्रो एंड माइक्रो टाइप, एग्स मैक्रो भी हो सकते हैं माइक्रो भी हो सकते हैं। तो मैक्रो टाइप एग्स आर लेड डायरेक्टली ऑन दी होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के ऊपर डायरेक्टली छोड़े जाते हैं ये, जबकि माइक्रो टाइप जो होंगे वो कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर लगे होंगे, जिसकी फीडिंग प्लांट टिश्यू की फीडिंग होगी तो इंसेक्ट के अंदर भी वो जा सकते हैं। तो कहने का मतलब वो माइक्रो टाइप भी हो सकते हैं एग्स। तो माइक्रो टाइप एग्स के अंदर एग्जाम्पल हम देखते हैं स्पोगोशिया बेजियाना, और जो कि एग पैरासिटॉइड है वापस किस पे, तो हम देख रहे हैं ओपिसिना अर्नोसोला पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक और लास्ट फैमिली के बारे में भी जान लिया जो कि डिप्टेरा ऑर्डर से है, जिसका नाम है टैकिनिडी। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैंने आपको जैसा कि बताया एपिकल्चर के ऊपर मैं 5 ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही। साथ में ये जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब एंड स्क्रीन पे भी आपको राइट हैंड साइड पे ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो जिसके अंदर प्रीडेटर्स आते हैं, जैसे कि आज हमने ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर के बारे में बात करी जिसमें पैरासिटॉइड आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीडेटर्स वाले इंसेक्ट ऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं ताकि इस चैनल के और भी जो वीडियोस हैं YouTube आपको रिकमेंड करता रहे, है ना। तो साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें Instagram पर फॉलो कर सकते हैं, और एट लास्ट इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।